वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। साइंस क्लासेस पर आपको सीबीएसई, आरबीएसई और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं। आज की सीरीज में हम क्लास 10 साइंस की जो है टॉपिक इसमें ले रहे हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें एक्टिविटी 1.11 को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 1.10 तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके सारे सारे जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। उसके अलग जो प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। चाइना डिश हमें चाहिए इसमें, बर्नर जो होता है, ट्राइपॉड स्टैंड और कॉपर पाउडर। ठीक है, तो छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें आपको चाइना डिश आपको चाहिए, इसमें आपको एक बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए और कॉपर पाउडर चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो आपको केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिविटी। सो वी टेक अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन चाइना डिश। ठीक है, ये जो एक चाइना डिश है इसमें हमने जो है कॉपर पाउडर हमने ले लिया है, जो कि आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का है। ठीक है, कैसा कलर का है ये? ब्राउन यानी भूरे, गहरे भूरे रंग का है कॉपर पाउडर। ठीक है, अप्रोक्स जो है आपको इसको 1 ग्राम क्वांटिटी ले लेना है। ठीक है, नाउ वी पुट द चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड स्टार्ट हीटिंग। हम क्या करते हैं, चाइना डिश जिसमें कि हमने कॉपर पाउडर हमने लिया है उसको हम ट्राइपॉड स्टैंड पर रखते हैं और उसको हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी चाइना डिश है। इसमें हमने जो है ये कॉपर पाउडर हमने लिया है जो कि ब्राउन कलर का है, और इसको इस ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने इसको रखा है और बर्नर के से हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, जितने भी डायग्राम्स वगैरह इसमें जो हम काम में लेते हैं वो एक सिंबॉलिक डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो इनका पर्पस केवल इतना है कि आपको वो एक्टिविटी जो है वो इसके थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपको कॉपर पाउडर चाइना डिश में लेना है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है और उसको हीट करना है। ओके, नाउ अब कुछ देर बाद में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। वी सी कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक फ्रॉम ब्राउन। ठीक है, कॉपर पाउडर जो कि ब्राउन था वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जो कॉपर पाउडर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमने उसको केवल हीट किया था। ओके, व्हाई ब्लैक लेयर इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर पाउडर आफ्टर हीटिंग। जब हम उसको गर्म करते हैं कॉपर पाउडर को, तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन क्यों होता है? ओके, व्हेन कॉपर पाउडर जो कि कैसा है, ब्राउन इन कलर, इज हीटेड। जब आप कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कौन सी ऑक्सीजन? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कि आसपास के वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है। एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो कॉपर पाउडर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और किसका फॉर्मेशन होता है? कॉपर ऑक्साइड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। उस पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ओके, सो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन इस कॉपर में ऐड हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मींस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करती है। ठीक है ना, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करती है। ठीक है, सो अब इस कंप्लीट एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष क्या आता है? वो ये आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग
हीटिंग। जब आप इसको गर्म करते हैं कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। ये रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कब हीट करते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसे ही और जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनके भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन जो है वो किसी सब्सटेंस में ऐड होती है, एंड द सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक इसका जो टर्म है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, यानी कोई भी एक सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। इस बात को ध्यान रखना है, रिड्यूस इटसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है, और इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ओके। अब इस एक्टिविटी को जब हमने परफॉर्म कर लिया तो कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर पाउडर, व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर, नेम द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी 1.11 क्लास 10th, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इनका आंसर अगर नहीं आता है तो वापस जाकर के आप उस इस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां पर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। तो चैनल पर जो है अभी एक्टिविटी 1.10 तक अवेलेबल है, इसके साथ साथ आपको चैनल पर 9th क्लास 10th क्लास की मैथमेटिक्स और अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।